विश्व विख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में श्रवण अष्टमी नवरात्रों को लेकर मंदिर ट्रस्ट की एक अहम बैठक आयोजित की गई। ज्वालामुखी में श्रवण अष्टमी नवरात्र मेले 1 अगस्त से 10 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे, जिसकी अध्यक्षता राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश धवाला व SDM ज्वालामुखी अंकुश शर्मा ने की। इस बैठक में श्रवण अष्टमी नवरात्रों में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाहरी राज्यों से ज्वाला माँ के दर्शनों के लिए आते हैं। उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था, लंगर की व्यवस्था व अन्य व्यवस्थाओं पर गंभीरता से चर्चा की गई। इस संदर्भ में राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश धवाला ने बताया कि ज्वालामुखी मंदिर में आने वाले श्रावण अष्टमी नवरात्रों में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी प्रबंध कर लिए गए हैं और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी श्रद्धालु को दर्शनों के लिए कोई परेशानी ना हो। उन्होंने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि एक कमेटी बनाई गई जो पूरे हिमाचल प्रदेश के मंदिरों का दौरा करेगी, वहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं, उनके मंदिरों में कैसे कैसे विकास कार्य हो रहे हैं, SDM अंकुश शर्मा ने बताया कि इन श्रवण अष्टमी नवरात्रों में बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा की सभी इंतजाम कर लिए जाएंगे, जिससे किसी भी श्रद्धालु को कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। इन नवरात्रों में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर से बेहतर सुविधा प्रदान की जाएगी। सोलन में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक तांत्रिक ने महिला को अपने जाल में फंसाकर रात को उसे सुनसान इलाके में ले गया और जबरदस्ती एक कमरे में बंद कर दिया, जहां उसके साथ तांत्रिक और उसके चेले ने उसके साथ रात भर दुष्कर्म किया। सुबह महिला ने शौच जाने का बहाना बनाया और खिड़की से निकलकर भागी, तब भी महिला का पीछा चेला करता रहा, लेकिन महिला ने हार नहीं मानी और सड़क पर आ गई और लिफ्ट लेकर सोलन पहुंची। तब उसने अपने साथ हुई इस घटना की जानकारी अपने परिवार वालों और पुलिस को दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तुरंत तांत्रिक और उसके चेले को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। महिला ने उसके साथ हुई घिनौनी वारदात को मीडिया के समक्ष रखा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। महिला ने बताया कि उसे तांत्रिक द्वारा डराया गया कि उसके परिवार पर शैतान का साया है, जिसके कारण उसका बेटा बीमार है और अगर उसके लिए शमशान में जाकर पूजा नहीं करेगी या तो वे मारी जाएगी या उसका बेटा मारा जाएगा। साथ में उसे ये आश्वासन भी दिया गया कि उसके साथ एक और महिला भी रहेगी, तो वे भी जाने को राजी हो गई। लेकिन जैसे ही वे नारक के पास पहुंची तो उन्होंने जबरन उसे घसीट कर कमरे में डाल दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। अधिक जानकारी देते हुए SP सोलन मधुसूदन ने बताया कि महिला का बेटा पिछले काफी समय से बीमार था, जिसके इलाज के लिए वे तांत्रिक के पास गई। तांत्रिक ने उसके बेटे को ठीक करने की गारंटी दी और उसे इसके लिए सुनसान जगह पर तांत्रिक क्रिया करने की बात कही। भोली वाली महिला बेटे की अच्छी सेहत के लिए ये भी करने को तैयार हो गई। तांत्रिक के साथ वे नारक के पास सुनसान घर पर गई, लेकिन वहां पहुंचते ही तांत्रिक के हाव भाव बदल गए और उसे एक कमरे में बंद कर दिया और तांत्रिक और उसके चेले ने उसके साथ दुष्कर्म किया। कुछ समय बाद जब दोनों सो रहे थे तो महिला ने खिड़की से भागकर अपनी जान बचाई और दोनों की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई, जिस पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।